चैप्टर नंबर 19, सत्य वीर सोक्रेटिस। वीर मतलब बहादुर, योद्धा को कहते हैं हम। और मेरे हिसाब से डेफिनेशन ये हमेशा वीर की रही कि वीर ऐसा वर्ड आता है तो हमेशा ऐसा समझते हैं भाई कोई बड़ा सा युद्ध है, युद्ध के अंदर गया है और बहुत ही भयंकर तरीके से उसने लड़ाई की है, वो वीर होता है। नो डाउट उसको ही वीर कहते हैं। किसे इधर से यलगार हुआ और इधर से जो पैदल है वो दौड़ता 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 फास्ट करके वहाँ पर जाएगा, इधर से भी आएगा और दोनों में सेम थोड़े लोग दौड़ेंगे, उसमें कोई फास्ट दौड़ता होगा जो सबसे आगे होगा, उसके हाथ में खुली तलवार होगी, जोर से चिल्ला रहा होगा। तो जो इधर सारे का सारा ग्रुप है उसका फोकस उसके ऊपर होगा कि पहले इसको तो मार ही देंगे। सेम इधर के साइड में जो सबसे आगे दौड़ रहा होता है ना उसके पास सब फोकस करते हैं कि इसको मार देंगे। एंड ये काम करना बहुत मुश्किल होता है, लड़ाई करने के लिए सबसे आगे जाना, खुली तलवार लेकर सबसे आगे दौड़ते भागते हुए जाना, यलगार करना, दैट इज मुश्किल काम है। एंड उसको वीर कहते हैं। पर वीर उसको भी कहते हैं जो आपसे नहीं हो पाए और आप करके बताओ। मैं आपको बोलूं कि भाई एक हाथी है बाहर खड़ा है, उसको आप पकड़ो और दबांग से एक मुक्का मारो और नीचे गिरा दो, ये इम्पॉसिबल काम है, पर आप लोग मैं ट्राई करूंगी, ज़रूर हो सकता है शायद तक। एंड कुछ ऐसा करके बताओ कि शायद तक मुक्का मारने से हाथी तो ना बैठ जाए, पर कुछ ऐसी ट्रिक्स से आपने उसको बिठा दिया, देन आप भी कहीं ना कहीं वो वीर योद्धा हो। यहाँ पर सत्य की बात आ रही है, सत्य वीर सोक्रेटिस की हम बात करेंगे। इसकी कोई लेखक नहीं है इसलिए यहाँ पर हम संकलित नाम दिया है। सोक्रेटिस क्या है? सोक्रेटिस एक विचार है, सोक्रेटिस एक आचार है, एक वाक्य और सरलता, प्रामाणिकता, ज्ञान प्रियता, उद्यमशीलता के बाबत के अंदर बेडोड़ और बेजोड़ अगर कोई नमूना है तो उसका नाम सत्यवीर सोक्रेटिस है। समझते क्या कहते हैं यहाँ पर। सोक्रेटिस दुनिया में एक अति महान पुरुष गणाय छे। वर्ड अंडरलाइन करेंगे, अति महान पुरुष, जिनो जन्म ईस्वी सन मतलब ईसा पूर्व 1469, यहाँ पर पूर्व लिखा है मतलब जब ईसा की फर्स्ट सेंचुरी हुई थी उससे भी पहले हो चुके थे ये, ऐसा माना जाता है, यहाँ पर पूर्व लिखा हुआ है। ईस्वी सन पूर्व 1469 के अंदर यूरोप खंड के अंदर ग्रीस नाम के देश के अंदर हुआ। यूरोप एक खंड है और वहाँ पर कंट्री का नाम है ग्रीस और वहाँ पर एक शहर है उसका नाम है एथेंस। इस नगर में, इस राज्य में हुआ। ये देशों में एथेंस नु राज्य यानी आजू बाजू में स्पार्टा, हमने नाम सुना था स्पार्टन्स है ना, स्पार्टा अले एथेंस ने स्पार्टा ये नगर बच्चे हमेशा युद्ध चलता रहता था। थोड़ी देर स्पार्टा जीत जाते तो कभी एथेंस वाले जीत जाते थे। बहुत लंबे समय तक इसका युद्ध का समय चला और अंत में एथेंस जीत तो खैर, परंतु युद्ध के दौरान जो एथेंस के लोग थे उसके मन के आचार विचार, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, उन सब के अंदर युद्ध घुस गया है ना। जैसे माहौल में रहते हैं ना ऐसे हम बन जाते हैं। जैसे बॉम्बे में अगर आप एक आध साल रहने जाओ तो आयला है, गयला है, जायला है, पियला है, आपकी बोली, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो इस तरह से तो कितना टाइम चला एंड इसके कारण से युद्ध का उस टाइम के दौरान लोगों का आचार और विचार के अंदर शिथिलता मतलब आलस ढीलापना आने लगा। एंड सोक्रेटिस बस यही टाइम के हुआ कि जहाँ पर उसने देखा कि जहाँ पर इंसानों को प्रोग्रेस करना चाहिए युद्ध जीतने के बाद, यहाँ पर तो लोग ढीले पड़ रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है जीत जाने के बाद ढीले पड़ जाते हैं, बस अब तो जीत गए ना अब तो क्या है। सोक्रेटिस बहुत बुद्धिशाली है तो समय को शिथिलता गमती नहीं, हमेशा टाइम टू टाइम ही काम करता था। सदाचार तरफ वर्ता लोगों ने समझाओ तो रोज सवार ना पौर माँ ए बाहर निकली पड़तो, चोरे चौटे बैठे हुए लोगों के जोड़े अलग मलग की बातें करता और लोगों ने इन्हीं बातों में बहुत इंटरेस्ट पड़ता था। ये सांभर तो इन्हीं आस पास सुनते रहते और जैसे मधुमक्खी कैसे उड़ती रहती है फ्लावर के बाजू में और गुनगुनाती रहती, बस उसी तरह से जब सोक्रेटिस बोलता जो एक्सप्लेन करता तो लोग उसको एकदम ध्यान से सुनते रहते, लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा समझाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मधुमक्खियाँ फूल के आसपास घूमती रहती है उसी तरह से लोग सोक्रेटिस जब बोलना चालू करता था उसके आसपास घूमते रहते। सोक्रेटिस ने त्वे द्वारा साचो धर्म सोच है वो समझाने की कोशिश करते थे। एक्चुअली कोई धर्म होता ही नहीं है, हम बोलते हैं कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये जैन है, बुद्धिस्ट, एक्चुअली ऐसा नहीं है।
धर्म वो होता है जो आपके पेरेंट्स आपको संस्कार देते हैं, जो गुण देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो धर्म होता है। अब समझ लो कि आप तीनों एक ही फैमिली के हो, बड़े पापा, छोटे पापा, छोटे पापा, है ना, एंड सभी हिंदू धर्म के हिसाब से मानने वाले हो, पर ये हिंदू धर्म के अंदर इसके पापा ज्यादा मानते हैं, तो ये तीन टाइम भगवान की पूजा करेगी, क्योंकि उसके पापा ने सिखाया कि बेटा तीन टाइम पूजा करनी चाहिए, भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसके पापा बोला चलता है भाई, अभी दो टाइम करो तो भी ठीक है, इसके पापा एक में ही निपटा लेते हैं। तो है सब हिंदू धर्म के हिसाब से, परंतु फॉलो करते हैं अपने गुण, अपने संस्कार, अपने कुटुंब के द्वारा जो दिया गया ना उसके हिसाब से। अगर सब धर्म के हिसाब से मानते, गीता जी में लिखा हुआ मानते, तो दुनिया कब की प्रोग्रेस पे पहुंच चुकी होती। ना कोई कुरान को फॉलो करता है, ना कोई बाइबल को फॉलो करता है, फॉलो वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, है ना। कहते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच ऐसा धर्म बना लेते हैं। इसलिए हमेशा धर्म समझाते रहते थे। सोक्रेटिस खूब सादगा थी रहते हो तो बेज कपड़ा पैर तो मैंने फाटे तेरे उसको सी लेता था जहां पर फट जाता था, या फिर थिगड़ू मारी दे तो और उसको यूज करता था। जोड़ा इन्हें कदी पहर या नो था, जोड़ा मतलब शूज, उसने पहने ही नहीं थे। शरीर ने सशक्त ने मजबूत रखवा माटे बहुत काळजी राखतो, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए खाने पीने सोने में बहुत ही ध्यान रखता था। सारू ने मजबूत शरीर होए ये पोतानी तेमज लोगों नी सेवा करी सके, पर अगर आप खुद ही वीक हो तो लोग आपकी सेवा करने आएंगे, पर आप खुद हेल्दी हो तो लोग इंस्पायर भी होंगे और आप दूसरों को सेवा के लायक भी बनोगे। पर आप ही मकोड़ी पहलवान हो, खाने पीने के वांदे हैं और किसी की सेवा करने जाओ तो हंसेंगे, आप तू खुद की सेवा कर ले भाई, मेरी सेवा क्या करेगा। मतलब पहले हमेशा अपने आप को कैपेबल रखता और फिर दूसरों की सेवा करने के लिए जाते थे, ये मानता था। ते खूबज मीता हारी हता, मतलब सबके साथ घुल मिल जाते थे, हर एक विचार को स्वीकार करते थे। ते कहता था कि लोगों रसोई ने स्वादिष्ट करवा एना मसाला माखे छे, रसोई के स्वादिष्ट बनाने के नमक है, मिर्ची है, नींबू है, शक्कर है, वो डालते हैं। अने हूँ ककड़ी ने भूख लगती है ना, बस उसको ही मसाला समझता हूँ। नॉर्मली देखना, जब खाना अच्छा लगे तो मैं हमेशा जिसके साथ भी बैठ रहा हूँ तो उसको दो प्रश्न जरूर पूछता हूँ कि क्या सही में खाना अच्छा है क्या भूख लगी है। समझने जैसा है कि सही में खाना अच्छा है या भूख लगे। नॉर्मली भूख लगती तो सब अच्छा लगता है ना। ऊंग ना जोवे ओट लो, अने भूख ना जोवे रोट लो, सूखो सूखा रोटला भी होगा ना तो बिस्किट जैसा लगेगा, और नींद आ जाए तो रोटले ओटले भी सो जाओगे आप। नींद ऐसी चीज है। लिखा है यहाँ पर कि मैं भूख को मसाला समझता था, अने बीजा सौ खावा माटे जीवे छे पण हूँ तो जीववा माटे खाओ छू। दो टाइप के लोग होते हैं, खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना। आचार अने विचार एने घना प्रिय हता, सदाचारी साधु पुरुष तरीके एनी नामना हती। ए समय एथेंस एनी जाहो जलाली में टोच, जाहो जलाली मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल बहुत थी, लाइक ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो लग्जरियस लाइफस्टाइल में जीते हैं, इसी तरह से चाय पीने का, यही टाइम पे खाना खा लेने का, ये करने का वो करने का, ये चाहिए तो चाहिए, इसके बिना नहीं चलता है, है ना। तो जाहो जलाली के कारण से बहुत ऊपर था। एथेंस वासियों जात मेहनत थी हल्की गणता अने राजकाज में भाग लेता, मतलब छोटे मोटे काम नहीं करने का, गटर कौन साफ करेगा, हम नहीं करेंगे, इज अ डर्टी वर्क, ऐसा बोलते थे। ले लग्जरियस लाइफस्टाइल में जात मेहनत करने में हल्की समझते थे, राजकाज में भाग लेने का उसको आबरूदार इंसान समझते थे। तेथे सामान्य मानस जो होते थे लाइक मोची है, सुथार है, लुहार है, ये कारीगर को सामान्य इंसान काउंट करते, भाई ये तो सामान्य बंदे। जात मेहनत मतलब खुद का काम करने से भी उसको कतराते थे, ऐसा था। ले मोची सुथार लुहार कारीगरों को हल्की कोटि ना मतलब सामान्य इंसान काउंट करते थे। एथेंस वासियों ने जात मेहनत माटे आम अनादर बताओ तो जो ही सोक्रेटिस को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये अकड़ाए। ये पोते मानतो हतो के जात मेहनत में काम करनार कारीगरों राजनीतिज्ञों अने कवियों नी जेवते उसका दर्जा होता है। घर के अंदर मम्मी है और पापा है, मम्मी को संडे की छुट्टी मिलती है, पापा को मिलती है। उस दिन तो दादागिरी के साथ बोलते हैं आज 10 बजे तक सोने देना मेरे को, आज डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, दादागिरी होती है, घर में वो किंग बन जाते हैं। फिर 10 बजे उठेंगे और मेज को ऐसा आंगली लगाए, देखो कितनी मिट्टी है यहाँ पर, साफ सफाई बरोबर नहीं हो रही है, बेटे का मैसेज आया है, हैं क्या पढ़ाई हो रही है, ये होता है वो होता है, दादागिरी जमाता है कौन, पापा। और मम्मी संडे के दिन डबल काम करती बेचारी, डबल शिफ्ट ले लेती है।
तो कहने का मतलब है कि स्त्री और पुरुष इक्वलेंट होने चाहिए। जिस तरह से पापा ऑफिस में जाके वर्क करते हैं, उसी तरह से मम्मी घर में ही ऑफिस बना लेती है। कोई बाहर जाके काम करता है उसको थोड़ा कम पैसा मिल रहा है, कोई ऑफिस के अंदर जाके काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब काम कर रहा है, बल्कि ये है कि वो है इसके कारण से हमारा काम चल रहा है ना। घर के बाहर जब कूड़ा वाली कचरा वाली आती है तो डिंग डोंग बेल बजता है, कौन है बेटा? तो बेटा कहता है कचरे वाली है। कचरे वाली वो नहीं, कचरे वाले हम हैं जो हमारा कचरा नहीं आई है, है ना। तो जीवन ऐसा है कि हम सामान्य जो लोग हैं या छोटा काम करते हैं उसको तुच्छ समझते हैं। एक्चुअली हम तुच्छ हैं जो उसके आधार पे चलते हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद दुनिया भी नहीं होती। इसलिए कहते थे ये कि जात मेहनत करने वाले इंसान और राजनीतिज्ञ कवि अण समझ नू प्रमाण कहीं ओछू छे। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों बैलेंस होने चाहिए। जैसे राजनीतिक पॉलिटिशियंस अपना काम करते हैं, कवि विद्वान अपना काम करते हैं, तो ये सामान्य लोग अपना कार्य करते हैं। एक बार सोक्रेटिस कोक ने पूछू के मानस माटे उत्तम शू छे, इंसान के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है। सोक्रेटिस ने कहा के पोतानी आवडत केळवी अने पोतानी फरज अदा करे ते उत्तम मानस। मतलब खुद की आवडत, खुद के अंदर जो क्वालिटी होती है वो अगर आप निकालो और उतना आप अपने जीवन के अंदर फर्ज अदा कर दो, बस आप बेस्ट इंसान हो गए। गांव के अंदर आज भी ऐसा माना जाता है कि जितना किलो आपका वजन होता है ना उतना आप वजन उठा सकते हो। नॉर्मली अगर समझ लो मैं 80 किलो का हूँ तो मैं 80 किलो आसानी से उठा सकता हूँ, इतना कैपेबल होता हूँ। आप 50 की हो तो 50, 60 के तो 60, 70 तो 70, ऐसा कहने का मतलब है। मेरा भी यानी कि सेक्रेटरीज भी यही करता है कि जीवन के अंदर जब आप खुद का वजन उठा सकते हो उसी तरह से आप अपना जीवन खुद अपने ऊपर आधीन करके चला सको। अपनी फर्ज अपना काम है उसके हिसाब से जियो तो आप बेस्ट इंसान हो। फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दुनिया को आपकी मदद की जरूरत नहीं, आप अपनी मदद खुद खत्म कर दो तो दुनिया की मदद हो गई। ले लिखा है यहाँ पर कि पोतानी आवडत केळवी ने पोतानी फरज अदा करे ते बेस्ट इंसान है। खेडूत होय तो सारी रीते खेती करे, वैद्य होय तो सारी रीते वैद्यनु काम करे, राजनीतिज्ञ मतलब पॉलिटिशियन होता है तो राजवहीवट करे। पण जे माणस कशु पण सारी रीते करी शकतो नथी ते माणस ने उपयोगी नथी अने ईश्वरनो सेवक पण नथी। जो खुद का ही काम नहीं कर पा रहा है वो तो इंसान जाति को भी हेल्प नहीं कर पा रहा है, वो भगवान का तो भक्त है ही नहीं वो, क्योंकि भगवान ने उसको सबसे बेस्ट चीज़ बना के भेजा कि इस दुनिया में बेटा सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है? ना प्लांट है, ना ट्री है, ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना पंछी है, ना छोटा इंसेक्ट है। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ का नाम है मनुष्य। जा बेटा वो तेरे को बना रहा हूँ। और बनाने के बाद भी तूने अपना खुद का ही इस्तेमाल खुद के लिए नहीं किया, दूसरों के तो बाद की बात है, खुद के लिए नहीं किया तो तुम कोई काम के नहीं हो। इस तरह से कि ते मानस ने तो उपयोगी नहीं, ईश्वर नो सेवक पण नहीं। मानस जो उपयोगी ने जरूरी काम करतो होय तेमा शरमजनक कशु पण नहीं, एदी पण आलस करना ही शरमजनक होता है। अगर मैं अपने घर की साफ सफाई कर रहा हूँ और बाहर से कोई अगर इंसान आ जाए तो मैं शर्म महसूस करूंगा, अरे यार क्या आज काम वाली भाई नहीं है तो मुझे करना पड़ रहा है। अरे इट्स ओके यार, तेरा घर है तू साफ कर, उसमें कुछ गलत नहीं है, है ना। कभी अगर बाहर से कोई अचानक से मेहमान आ जाए और आप मैगी कर रहे हो, सिंपल सब्जी रोटी नहीं मैगी कर, अरे यार क्या मम्मी ने है ना मैगी बनानी पड़ रही, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं तेरा लिए खाना है तू खा रही है कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन साफ कर रहे हो बाहर से कोई आ जाए, क्या कर रहे हो भाभी नहीं है? नहीं यार ऐसे ही क्या करा, कभी कभी करना पड़ता है, करना नहीं पड़ रहा है कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं यार। जब खाना मेरा वो बर्तन मेरे घर मेरे तो साफ सफाई खाना पीना दोनों में प्रॉब्लम क्या है। कल तो ये बोलोगे यार कोई मेरे को आगे नहला के जाए, कोई मेरे को जूस बना के मुंह में डाल के जाए तो मैं चबाऊंगा, तो नहीं मतलब अंदर डालूंगा डाइजेस्ट करूंगा ऐसा। तो हालत ऐसी है कि इतनी इंसान आलस के अंदर चला जाएगा। फिर एक बार सोक्रेटिस ने एक मित्र एक दिवस बहुत ही दिलगीर रहते हो तो दुखी हो तो ये जो है ना सोक्रेटिस ने पूछू भाई शू भाई क्या प्रॉब्लम है तार ऊपर, एवं तो कौन सा दुख आ पड़ा है कितना उदास रहता है। उसने बताया कि भाई क्या करूं मेरे ऊपर 1414 यानी कि 14 निराधार, जिसका कोई आधार नहीं होता उसको निराधार कहते हैं, ऐसी स्त्री को निभाने की जिम्मेदारी मेरे पे आ पड़ी हुई है। बोला कैसे? बोला प्लेग के कारण से उसके पति और उसके रिलेटिव्स लोग उसके डेथ हो गए, अब उन सबको मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई और मारी स्थिति एवी न थी कि उसका मैं उसका भरण पोषण लंबे समय तक कर सकूं। बोलो अब हमारे शू करूँ मैं क्या करूँ?
अब ये 14 जो लेडीज़ है उसको संभालने का, उसको खिलाना पिलाना उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, ये भाई साहब को प्रॉब्लम था, इसके कारण से उदास थे। सोक्रेटिस ने तुरंत उसको जवाब दिया, अरे एमा शू एमा मूंझावा जेवू छे, बधी स्त्रियों ने सीववानू, सीववानू मतलब स्टिचिंग करने का, गुथवानू मतलब नीटिंग करने का, और भरवानू मतलब पैकिंग करने का काम समझा दे और वो काम पे लगा दे, उस बहाने उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हुनर भी आएगा और अर्निंग भी होगी और उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, औरतें आपस में झगड़ा नहीं करेगी, सबसे बेस्ट है। आ सलाह सांभी पेलो जो मित्र हो तो आभो मतलब आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि आगे बताया कि जो एथेंस वासी लोग हैं वो कैसे मानते थे, जाहो जलाली है ना, लग्जरियस लाइफस्टाइल भुगतने में ही मानते थे, काम करने में बिलीव नहीं करते थे। पहले एने कहूँ तो एवं मोटा कुलनी स्त्रियों ने आऊ काम केवी रीते अपाय, सोक्रेटिस ने मूंझवत समझी गए, बोलियो गभराव में कारण नहीं, ए सारा में सारा उपाय है, પોતાનું ભરણ પોષણ થઈ શકે એટલું તે રળશે, એટલું જ નહીં એ પોતાની શક્તિ અને સમયનો સદુપયોગ પણ કરી શકશે, અને વળી બીજો લાભ એ છે કે નવરા બેસવાને લીધે કુથલી ઈર્ષા નિરાશા એક પ્રકાર કે રોગ હૈ, એક દૂસરે કે બારે મેં ગંદી બાતે કરના, નિંદા કરના, જલસી કરના, નિરાશા આના કે યાર મેં અકેલે બેઠે રહેતા હું કુછ વૈસા વૈસા હૈ નહીં, લોનલીનેસ, તો જો ગંદી બીમારી હૈ ઉસકે અંદર વો પનબેગી નહીં ઓર ઉસસે બચ જાયેગી। पहला मित्र है सोक्रेटिस ने केवा प्रमाण करू और उसका परिणाम अच्छा आया, ले जिंदगी में ना नवरा नहीं बैठा रहने का, इसलिए कहावत है क्या कि खाली दिमाग शैतान का घर, जैसे ही नवरे बैठे रहोगे ना इतने विचार करोगे, अपने बारे में भी खराब विचार करते हो, दूसरे को तो कर ही लेते हो, खुद के बारे में भी हम खराब विचार करते हैं, हाँ यार मैं तो बहुत बकवास हूँ यार, मेरे पे तो कोई भरोसा नहीं करता, मेरी मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती यार, मैं तो जीने के लायक हूँ, चलो मर जाऊँ, ले सुसाइड करने की सोच लेते हैं। तो इस तरह कभी भी नवरा नहीं बैठा रहना चाहिए, कोई ना कोई काम करो, आपके अंदर हुनर खिलेगा, नहीं आता होगा तो ये पता चलेगा कि चलो ये नहीं आता, एटलीस्ट वो तो पता चला, और आता है तो पता चलेगा ओके ये तो मेरे को आता है। एथेंस ना राजवट में पड़ेला लोगों सोक्रेटिस भड़तो हतो, ते लोगों में धर्म रूढ़ी मतलब परंपरा रीति रिवाज देवी देवता विषय की जो मान्यता थी वो राजकारण दुनिया भर की बातों के साथ वो चर्चा मतलब डिस्कशन में उतरता, ते स्वतंत्र रीते बहुत ही उंडा विचारक था, प्रामाणिकता के साथ अपने विचार को हमेशा सबके सामने साचू हो वही चीज़ों को बोलता था, वो मानता था, वो स्वीकार करता था और उसका आचरण करता था मतलब फॉलो भी करता था, छता हमेशा नम्रपण हमेशा कहता था कि मैं तो अज्ञानी हूँ, ज्ञान मेळवा माटे मथु छू, है ना, आमिर खान बाबा कहते हैं ना कि बस चारों ओर ज्ञान बट रहा है, बस कहीं पर भी जाके मैं बैठ जाता हूँ, जो भी मिले वो ले लेता हूँ। इस तरह से जीवन के अंदर कभी कभी छोटे बच्चों के पास भी ज्ञान मिल जाता है और कभी कभी बड़े बड़े इंसान के पास भी। दो फ्रेंड थे, एक चोर था और एक अच्छा इंसान था, जैसे बोला तो नवरा बैठा रहता है मेरे पास, चल बाजू वाले गाँव के अंदर चोरी करने चलता, चोरी सब मैं करूँगा, तेरे को उठाने का है बस, 500 रुपये मिलेगा तेरे को, बोले 500 मिलेगा तो क्या, चल मेरे साथ। और वो जा रहे थे तो एक खड्डे वाले रास्ते से निकल रहे थे, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो जो अच्छा इंसान था उसने बोला अरे बच्चों यहाँ पर कहाँ खेल रहे हो, गिर जाओगे खड्डे में, लग जाएगी हैं, जाओ घर पे जाके खेलो, बोला आप भी तो चल रहे हो, आप देखो ना अपने आप को। उसको तुरंत स्ट्राइक हुआ, भाई बात तो सही है, मैं भी गलत रास्ते ही जा रहा हूँ, मतलब ये खड्डा वाला भी गलत रास्ता और चोरी करने वाला भी गलत रास्ता, तुरंत घर पर वापस आ गया। लेकिन किसने सिखाया उसको, वो छोटे से बच्चे ने, कभी कभी टीचर सिखा दे, कभी भगवान सिखा दे, कभी समय सिखा दे, कभी समाज सिखा दे, ले इस दुनिया के अंदर ना हर जगह पर ज्ञान बांटता रहता है, हूँ अज्ञानी छू, ज्ञान लेवा माटे मथु छू, आम खास करीने एथेंस ना युवक वर्ग एना पर खूब खुश रहते थे। सोक्रेटिस ना स्वतंत्र विचारों ने एनी ऊपर भारे असर पड़ती थी, आज जो इन्हें एथेंस ना राज्यकर्ता को थोड़ा टेंशन होता था कि यार हम यहाँ पर राजा के मंत्री है, सेनापति है, कारोबारी है, और ये सामान्य बंदा वो आके इन लोगों को बोले भड़काए ऐसा काम करे और हमारी कोई सुने नहीं, हमारी कोई औकात नहीं है क्या, वो थोड़े अकड़ा है, टेंशन में आ गए। उसके अंदर था एक एनेटस नाम का बंदा था, वो आगेवान था, उसने देखा कि उसका जो बेटा है, एनेटस का बेटा है, वो खुद सोक्रेटिस के साथ उठता बैठता, उसकी बातों को मानता, इवन पापा को घर पे आके सोक्रेटिस की बात समझाता। अरे एनेटस को लगा भाई मैं बड़ा बंदा हूँ कि वो सोक्रेटिस है, भला मेरे बेटे को ये समझा रहा है, अरे एनेटस को ये अच्छा नहीं लगा, इन्हें बीजा केटलाक लोगों ने मिली ने छेवटे सोक्रेटिस ऊपर एवो आरोप लगा दिया कि वो जुवानों को बहकाता है,
हमारे नगर देवता को मानता नहीं है और राज्य के कायदे कानून का राजद्रोह करता है। तीन आरोप लगाया कि हमारे युवा पीढ़ी जो है उसको बहकाते हैं, हमारे जो नगर के देवी देवता उसको स्वीकार नहीं करता है और राज्य के कायदे कानून का भंग करता है। राजा के पास प्रस्ताव गया, जाहिर मां काम चलाया गया और आखिरकार उसके ऊपर मौत की सजा सुनाई गई। ए वक्ते सोक्रेटिस अदालत में पोताने विषय जे बयान आप्यो हतु वो आज जगत के साहित्य के अंदर अजर अमर है। कभी गूगल पे, कभी लाइब्रेरी में, कभी बुक्स में इसको पढ़ो। सोक्रेटिस एक बहुत ही अच्छे विचारक थे, बहुत ही अच्छे प्रामाणिक, ज्ञान प्रियता, उद्यमशीलता की बात में अजोड़ थे और आज भी इतने सालों के बाद भी सोक्रेटिस की कहानी हम सुन रहे हैं। सोचो, क्योंकि उसको हम कैसा दिखता है तो उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया, उसके विचार कैसे है ना उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमेशा उत्तम विचार से उत्तम वाणी आएगी और उत्तम वाणी से उत्तम इंसान बनोगे आप। आगे लिखा है, सजा नहीं खबर पड़ी उस वक्त प्लेटो एंड क्रीटो, ये प्लेटो एंड क्रीटो हमारे महान द ग्रेट अलेक्जेंड्रिया यानी कि सिकंदर के गुरु थे और ये उसके गुरु कौन, सोक्रेटिस। तो समझ सकते हैं कि अगर आप इतने अच्छे संस्कारी हो उसका मतलब है कि आपके पापा संस्कारी, आपकी मम्मी संस्कारी, और आपके पापा मम्मी संस्कारी उसका मतलब कि उसके पापा भी मम्मी संस्कारी होंगे तो ये तो संस्कार डाले होंगे आपके अंदर। तो हम समझ सकते हैं कि अब सिकंदर ने पूरा विश्व विजेता प्राप्त करने की कोशिश की तो उसके गुरु ने उसको सिखाया होगा और जब उसके गुरु के गुरु तो ऑब्वियसली महान होने ही चाहिए। तो इस तरह से प्लेटो ने क्रीटो सोक्रेटिस ना मित्रो अने शिष्य होता के दुखी थया, तेमने केटला केद माथी छाना माना उसको भगाने की पैरवी मतलब प्लानिंग कर दी अने ए माटे उसने गोठवण पर करी, परंतु सोक्रेटिस से कबूल थयो थाय तो ने एने समझायु क्रीटो ने अने पोताने मोकलवानो विचार कर्यो, पोतानी पासे मोकलवानो विचार कर्यो अने कीधुं के नहीं मेरे को यहां से भागना नहीं है, ये लोग मेरे हैं, इन लोगों ने मेरे को अपने विचार दिए हैं, मैंने अपने विचार उसको दिए हैं। अब इन लोगों ने मिलके ऐसे ही जो लोग हैं उसके लोगों ने राजा चुना और राजा के लोगों ने मिलके मेरे को खराब साबित किया है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को मौत की सजा होनी चाहिए, तो होनी चाहिए है? सिंपल सी बात है कि घर के अंदर पापा है, नहीं भाई पिकनिक में नहीं जाना है, मूवी देखने नहीं जाना है, पार्टी में नहीं जाना है, तो ज़रूर कुछ कारण होगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कल बता देंगे, परसों बता देंगे, उसका मतलब ऑन दी स्पॉट उसका जवाब नहीं लेना चाहिए, ज़रूर कुछ कारण होना चाहिए। इस तरह से सोक्रेटिस हमेशा हर चीज़ को सोचता था, समझता था, बैलेंस तरीके से ध्यान रखता था। क्रीटो वैली सवारे जेल में दाखल हुए जो तो सोक्रेटिस खाटला में निराते ऊँगतो हतो, 48 आज के बाद इन्हें मरवानु हतो, तेवो मानस नसकोरा ढसड़तो खर्राटे ले रहा था और घसघसाहट ऊँगी रह्यो हतो। आ गाढ़ ऊँग में भंग करवानो क्रीटो ने हिम्मत न चाली, चुपचाप उसके बाजू में बैठा रहा। थोड़ी वार पछी सोक्रेटिस जाग्यो एटले क्रीटो एने बधी वात समझावी। सोक्रेटिस ने कहा कि भाई देख, एथेंस वासियों भले मने अन्याय करियो हो पर एथेंस नो कायदो भले मने अन्याय करे, एथेंस का कायदा ने मेरे साथ अन्याय किया, एथेंस के लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, परंतु बीजो अन्याय करे एनी आपणे अन्याय करवो वो न्याययुक्त नहीं है। कुत्ता अपना मुँह चाटे तो हमें उसका मुँह नहीं चाटना चाहिए। अगर उसने मेरे बाप को मार दिया मैं उसके बाप को मारूँ तो उसमें और मेरे में फ़र्क क्या है, वो भी खूनी मैं भी खूनी है ना। अन्याय के सामने अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय से करना चाहिए। जूठाना ना जवाब जूठाना में आपको न जोइए, पाप का सामना करने के लिए पाप करना नहीं चाहिए, ये कदी व्याज भी न थी एम मैं हमेशा कहूँ छे। एटले एथेंस वासियों ने मने न्याय करियो तो पण चोरी छुपे थे हूँ भागी जाओ, अन्याय करो और मैं चोरी छुपे थी भागी जाओ, मने ए छाजे मने ए शोभे ने वड़ी आज सुधी मैं अहीनी धारा ने पाड़ी छे, धारा बोले तो कायदा कानून, यहाँ मने बधाए उछेरियो छे, अहीना नियम प्रमाणे मैं लग्न पण करिया, मैं लश्कर मां पण सेवा करी, आ बधुं मने स्वेच्छाए स्वीकार किया है। हूँ गम्मे त्यारे आ राज्य छोड़ीने बीजा राज्यमां जई शकतो हतो, अहीं वसवानुं मने कोई फरमान मळ्युं नहोतुं, अहीं रहीने अहीना नागरिक तरीकेना हक्को अने जवाबदारी मने स्वीकार की थे, आज दिवस सुधी हक्कोनो लाभ लिया अने हवे आज राज्यना लोको मुझे गुनेगार लाग्यो अने मने माने तो मने अन्याय करके अहीना कायदा ने मुजब मारे सजा फरमावे छे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हवे तारी सलाह मुजब हूँ नासी जाओ अने शहरना तमाम कायदा कानूनना पाया ने हूँ धक्को पहुँचाड़ू, इसमें सही नहीं है। ए रीते राज्य ने तेम ए सौ नागरिकों ने मैं नुकसान पहुँचाड़ूंगा, ऐसा हो जाएगा। क्रीटो आम करीने आपणे आगळ जई शकाय, जब सब लोग मिलके मुझे समझ रहे कि सोक्रेटिस बेस्ट पर्सन,
उन लोगों ने फाइनल किया कि भाई सजा होनी चाहिए, भले अन्याय हो, आपकी दृष्टि से अन्याय लग रहा है तो उसको तो न्याय लग रहा है ना, मानो। शहीद भगत सिंह जो है उसने अपनी कुछ आत्मकथा में लिखा था कि अंत में कुछ लॉयर आया और उसने बोला कि आप एक पत्र लिख दो, उसमें माफीनामा लिखो कि मुझसे गलती हो गई है, अब से मैं नहीं करूँगा, तो हम आपको फांसी से बचा लेंगे और यहाँ से छुड़वा देंगे। शहीद भगत सिंह ने बोला कि नहीं, मुझे तो जल्दी है फांसी पे चढ़ने की। बोला क्यों? बोला मैं फांसी पे चढ़ूंगा ना, फिर मेरे पीछे भारत के अंदर कितने सारे शहीद भगत सिंह पैदा होंगे, और हर एक माँ अपने बेटे को बोलेगा बेटा बनना है तो शहीद भगत सिंह बनना, पर अगर नहीं चढ़ूंगा तो शायद तक बोलेंगे ये सिर्फ प्रोपेगेंडो स्टंट था, दिखावा करते हैं, बाकी हो नहीं पाता है। तो ये है, मुझे जल्दी है कुछ अच्छा कर्म करने की। आम कही है ना, पाप नी सामे पाप नो बदलो वाड़ो ना जोइए, कीटो कशो बोली न शक्यो। ये समय एथेंस के अंदर जहर पिला के मौत की सजा देने का रिवाज था। सोक्रेटिस ने कैद में थी जहर नो प्यालो आपवामां आव्यो, जेल ना अधिकारी ने रड़ता रड़ता तेने आप्यो, पर सोक्रेटिस हंसता मोढे आत्मा लीधो और जैसे शरबत पी रहा हो इस तरह से आनंद थी पी गयो, आम तेने मृत्यु ने वश थयो। एथेंस वासियों ने आ रीते पोताने महान पुरुष ने जेर पाई ने आ जगत में थी विदाय कर्यो, परंतु सत्य ने खातर मौत ने वड़कनार ये सत्यवीर सोक्रेटिस आजे पण दुनिया भर में अमर छे, अमर रहेशे, हमेशा अपना साहित्य ने अंदर प्रकट थता रहेशे। देखो कोई डाउट है तो पूछो।